दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से। उनकी कहानी अगर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने लाइफ में अपनी ऐसा कुछ कर दिखाया है, देखने के बाद या सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, वो सब आज इनकी कहानी में जानेंगे। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, जबरदस्त वैल्यू एडिशन करेंगे। आपको देखने के बाद आपको भी लगेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते हैं तो आपके बारे में थोड़ा बताइए, क्या आपका नाम है और कहाँ आप रहते हैं? सर मेरा नाम अमित नरवर है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। पहले से मेरा अच्छा जॉब चल रहा था, अच्छी जॉब थी मेरी, एमएनसी कंपनी में मैं जॉब कर रहा था। और सभी के लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में एक अलग ही टाइप का ट्रेक आया कोरोना के बाद में। बिल्कुल, क्योंकि कहने में सभी को लगता है कि हाँ गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी है उस टाइम पर, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने बहुत हेल्प करी है कि आपको अगर वहां पर अगर नहीं जाना है ऑफिस तो आपको 50% सैलरी देंगे या कुछ करेंगे, लेकिन ये सब दिखावे की चीजें हैं। वास्तविकता में ये था नहीं, कि मिला मेरी होगा हाँ, तो ये कुछ लोगों को मिला होगा, कुछ लोगों को मिला, सारे लोगों को नहीं मिला, सारे लोगों को नहीं मिला। उसी बीच में मेरा भी सर अच्छा खासा जॉब था मैं और मेरा, लेकिन उस बीच में मेरी जॉब चले गई सर वहां से, और वो समय था शायद अप्रैल या मई का ही समय था, तो उस टाइम पर बाहर जाने की बड़ी दिक्कत आ रही थी और कंडीशन ये बन गई थी कि आपके पास में जॉब नहीं है, पैसा आपका लिमिटेड है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाला समय कैसा था, कोरोना सडन आया। अब उस कंडीशन में मेरे पास में ये दिक्कत था कि जो मेरी सेविंग थी वो धीरे धीरे जा रही थी, और सडनली उस कंडीशन में आपके साथ आपको दो दो झटके लग जाते हैं, एक तो कोरोना का और दूसरा आपकी जॉब का, और जॉब चले जाने के बाद में आप कहीं सर्च भी नहीं कर सकते हो, कंडीशन अभी ये बन जाती है। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने बोला अब बीवी है, बच्चे हैं, घर पूरा परिवार है, कैसे सर्वाइव करेंगे इस चीज को। और अगर मान लीजिए अगर मैं कहीं उस 2-4 महीने मैंने इस चीज को सर्वाइव किया, सर्वाइव करने के बाद में फिर मैंने यूट्यूब चैनल पर मैंने एक वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद में फिर मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट देखा, तो मैंने वहीं से दिमाग में आ रहा था, क्योंकि खाली दिमाग है अब करेगा क्या व्यक्ति, तो नॉर्मली अपना स्क्रॉल कर रहा था मैं वीडियो वगैरह यूट्यूब पर देख रहा था, और वहां पर से फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया चालू हुआ कि क्यों ना मैं अब ट्रेक ही चेंज कर देता हूं। मैंने कितने ही टाइम अपना जॉब किया, जॉब करने के बाद में मेरे को आज मतलब अच्छा खासा जॉब होने के बाद में ये नहीं पता था कि मैं कभी जॉबलेस हो जाऊंगा। बिल्कुल, आप अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, वहां पे भले ही कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितनी फिर भी किसी और के लिए कर रहे थे। बिल्कुल, वहां से फिर मेरा माइंड चेंज हुआ और फिर मैंने वहां से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। मैंने बहुत सारी चीजें सोची भी सही, समझी भी सही। होता क्या है ना, जब आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे होते हैं ना तो बिजनेस सोच में अच्छा लगता है, जब वास्तविकता में करने की बारी आती ना, जब हाँ मुझे करना है ग्राउंड लेवल पे आते तो समझ नहीं आता करूं क्या। तो वही कंडीशन मेरे साथ बनी, कैपिटल इतना था नहीं मेरे, फिर ऐसे यूट्यूब पर एक चैनल था उस पर मैंने देखा कि हाँ एक प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला कि मतलब आपको आइडिया आइडिया आया, पैसा भी कम था, लागत कम थी, मैंने बोला क्यों ना स्टार्ट किया जाए। अच्छा। मैंने स्टार्ट करने के लिए उस प्रोडक्ट को बुलवाया, और प्रोडक्ट को बुलाने के बाद में मेरे सामने एक चीज थी सर, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ये हो सकता है मैंने अपनाया हो या हो सकता है कोई और भाई अपनाए। बिल्कुल, कारण क्या होता है, जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करने के लिए या यूट्यूब पर कोई चीज देखी है, देखने के बाद आप सोचते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जब आ जाती है ना चीजें उसके बाद में आप काम ही नहीं करते हैं, इसीलिए 90% लोग फेल होते हैं। आपके पास में अगर कोई प्रोडक्ट आप बुलवा रहे हैं, आपने कोई चीज सोची कि मुझे करना है, लेकिन वास्तविकता में जब चीज आती है आपके पास में, वो करने से आप बाहर ही नहीं जाते, कतराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ये था कि मेरे पास में जॉब था नहीं, मैंने मन में एक ही चीज सोची थी कि जो समय मैं कंपनी में दे रहा हूँ क्यों ना वो समय में अपने खुद के लिए दूं। क्योंकि क्या होता है ना सर, जब सक्सेस स्टोरी बनती है ना तो इंसान की सक्सेस को दिखाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे उसके जो किए गए कर्म है, उसका हार्डवर्क है, वो कोई भी वीडियो में आप दर्शा नहीं सकते। हाँ, नॉर्मली लोग बोलते हैं वो इंसान तो अपनी लाइफ में बहुत कामयाब है, स्ट्रगल का टाइम बड़ा लंबा होता है, उससे पीछे का जो क्या स्ट्रगल किया है उसने जी, वो लोग नहीं देख पाते। बिल्कुल, तो मैंने वहीं से अपना स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि अब जो भी होगा मैं वो करूंगा। मैंने वहां से अपना सर सुबह में मतलब अपना बाइक लेता था, बाइक लेकर के मैं कहीं, मैंने कोई ऑफिस नहीं डाला, मैंने कोई दुकान नहीं डाली। अच्छा, शुरू में आपने इन्वेस्ट
कितना किया था? मैंने सर इन्वेस्ट किया था, मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। हाँ, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया। मैंने बोला इनिशियल स्टार्ट तो करूँ, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैंने वहां से अपना एक डीलर प्लान लिया मैंने कंपनी का। मैं बताऊंगा वो कंपनी का भी सारी चीजें। पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि एक्चुअल हुआ कहां। तो मैंने छोटा प्लान लिया, मैंने सोचा कि मैं अगर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास में चीजें आई, मैंने अपने दिमाग का एक ही कॉन्सेप्ट रखा था कि अगर कोई चीज को अगर हमें बेचना है, मैंने एक ही चीज सोची थी। जब मैंने YouTube देखा तो मैंने YouTube देखने के बाद में ये चीज देखी थी कि वो बेच किस तरीके से रहा है। बिल्कुल, मैं अगर उसके बेचने के तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता हूं तो जब मेरे पास जब चीजें आएगी तो मुझे किस तरीके से बेचना है, ये मैंने दिमाग लगाया और यहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ और सेलिंग के लिए एक नया रिवॉल्यूशन में लेकर के आया। पहले महीने आपने कितना सेल किया सर? मैंने आपको जानकर के ताज्जुब होगा, लेकिन मैंने पहले फर्स्ट 15 डेज में ही अपना जो डीलर प्लान था वो मैंने सेल आउट कर दिया था। अच्छा, मतलब जितने का माल आपने मंगाया था मैं लेकर गया। हाँ, पर ये था सर मैंने कि मैं अपना जो टाइम था कि 9 बजे से मैं मार्केट में निकलता था तो मैं शाम को 6 बजे के पहले घर नहीं आता था। अच्छा, अच्छा। क्योंकि जो मेरा वर्किंग टाइम था वो मैं बाहर ही देता, क्योंकि क्या घर पे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आसपास के लोग भी देखेंगे, बोला ये क्या करता है, क्या नहीं कर रहा, घर की घर में रह रहा है, जॉब नहीं है, ये वो। तो मैं वो अपना जो समय था वो मैंने बाहर ही बिताया, लोगों से मिलता था, लोगों को बताता था, मैं लोगों को जरूरतें बताता था कि आपको जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो आपके लिए क्यों जरूरी है। तो मैंने उनकी जरूरतों को समझा, उनकी जरूरतों को बताया और वहां से मेरी सेलिंग का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद में फिर मैंने कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बना। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में वो भी मैंने सर बहुत अच्छे से किया। मैंने उस डिस्ट्रीब्यूटर प्लान को भी मैंने विद इन 25-26 डेज में उसको सेल कर दिया। अभी बता दूं, मैंने किसी प्रकार का कोई भी मैन पावर नहीं रखा। अच्छा, मैंने सेल्फ करते थे। स्टार्टिंग में मैंने पूरा सेल्फ किया। कंपनी थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगी, मैं धीरे धीरे अच्छा काम कर रहा था। मैंने फिर कंपनी को कॉल किया और मैंने बोला कि सर क्यों ना ये जो प्रोडक्ट है मैं अपने नाम पर लेना चाहूं तो और अपने नाम पर बनाना चाहूं। तो कंपनी ने वहां एक चीज बोली, बोले कि सर आप ये प्रोडक्ट अपने नाम पर भी बनवा सकते हैं। पर टर्निंग पॉइंट इस तरीके का आया एक और कि कंपनी ने मुझे खुद को हायर कर लिया। आप जो ये प्रीमाइसेस देख रहे हैं, ये ऑफिस देख रहे हैं, ये कंपनी ने स्पेशली मेरे को यहाँ पर इस ऑफिस के लिए हायर किया। मतलब आप एज ए डीलर कंपनी के साथ जुड़े थे? बिल्कुल, कंपनी में पार्टनर भी हो गए एक तरीके से। मैं कंपनी का शेयर होल्डर ही हूँ सर यहाँ पर। और आज मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि हाँ, अगर शायद मैं वो जॉब अगर मेरे से मेरी रहती तो शायद मैं आज वो चीज नहीं कर पाता जो मैं आज आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। एक जॉब में और एक बिजनेस में एक ही फर्क होता है कि जब अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको एक सेफ पॉइंट मिल जाता है नॉर्मल सा कि हाँ, मैं अगर 8 घंटे काम करूंगा, महीने कितना करूंगा, तो एक महीने में मेरी सैलरी फिक्स होती है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं ना तो वहां किसी प्रकार का सेफ पॉइंट नहीं होता है। आपको हर दिन स्ट्रगल करना होता है, कंफर्ट जोन से बाहर आना, कंफर्ट जोन से। और आप जितनी चुनौतियां आपके सामने आएगी अगर उनका आप सामना करोगे तो डेफिनेटली एक चीज होती है, क्योंकि हर बार एक नया नया टास्क होता है। और बिजनेस अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो हर एक टास्क को भली भांति करता हो। अगर आप टास्क नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप आज आपने बिजनेस कर लिया, आज आपको जितनी अर्निंग करना था कर लिया, आपको कल का नहीं पता होता कि आपको कल क्या करना है। आपके सामने कल की नई चुनौतियां आएंगी, आप उस चुनौतियों को लड़ेंगे और वहां से वापस अपने बिजनेस को बूम पर ले जाएंगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि आज की डेट में आप कितना कमा लेते हैं सर, अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो? सर मैं देखिए, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं आज इस कंपनी की बदौलत हूं और अच्छा काम चल रहा है मेरा। यहाँ से 1.5 से 2 लाख रुपए महीना में यहाँ से अर्निंग करता हूँ। अच्छा अच्छा जी। कहीं मैं 15 से 20 हज़ार की जॉब कर रहा था और ये पिछले 2 साल की बात, मतलब 10 से 15 गुना आपने पहुंचा दिया। जी सर, उसके पीछे मेरा बहुत हार्ड वर्क भी लगा है सर। आज कंपनी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही है और कंपनी कहती भी ये चीज कि अगर सर अगर आप हमें ये आइडिया नहीं देते कि खुद के नाम की प्रमोशन का, तो शायद आज हमारे व्हाइट लेबल प्लानर नहीं होते। आज हमारी कंपनी, जिस कंपनी का मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक्नो फ्लाइंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके साथ मैंने जुड़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना छोटा सा डीलर प्लान लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर गया, डिस्ट्रीब्यूटर से आज कंपनी का एक अपना खुद का एक हेड ऑफिस में मेरे को एक पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ पर अपना शेयर टेकर बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने भी कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ जाना होगा। शुरू में 10,000 रुपए से शुरुआत करी थी इन्होंने जिस कंपनी में, आज एक इनका अलग से कैबिन भी है इसी कंपनी में। काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो नए लोग हैं कहीं ना कहीं जो रोजगार की तलाश में अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी सर काफी मदद करते हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं,
तो उनको आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपका क्या प्रोडक्ट है और आप उनकी कैसे मदद करते हैं? बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा। बताने के पहले मैं एक और चीज थोड़ी सी आपको एड ऑन करना चाहूंगा। क्या होता है ना सर कि कंपनी का एक मोटिव होता है, आज अगर नॉर्मली हम कोई चीज देखेंगे, कोई टीवी हो गया, फ्रीज हो गया, कुछ हो गया, ये हर इंसान की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी हमारी जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सुरक्षा टायर सीलेंट एंड कूलेंट एक प्रोडक्ट है हमारा, ये एक प्रोडक्ट अगर आप टायर के अंदर डाल देते हैं तो वहां पर जो पंचर होने की संभावना होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब आप अगर आप बात करेंगे क्या सर टायर वाली चीज, टायर का मैं आपको बता दूं सर, आपके आपके व्यूवर्स हो या मेरी फैमिली हो, हर किसी की लाइफ में एक पार्ट आता है कि आप कहीं जा रहे हो, उस कंडीशन में अगर गाड़ी पंचर हो जाए, आपको 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर धकेलना हो, तपती गर्मी में आपको सड़क पर के जाना हो, वो कंडीशन आपको तब पता चलती है, अरे आपको इतना गुस्सा आता है कि उस गाड़ी को वहीं फेंकने की इच्छा करती है कि उसको फेंक दूं। और नॉर्मली देखा भी जाए तो पंचर ऐसी जगह पे होता है जहां ना तो कोई आसपास मैकेनिक हो ना कोई शॉप हो। एग्जैक्टली यही होता है। और सर रही बात इसकी सेलिंग की, तो सेलिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास में ही इतने कस्टमर्स हैं। अब मैं आपसे ही पूछता हूं सर, आपके खुद के पास में 2 से 3 गाड़ियां होगी, एक कार आप अलग मेंटेन करते होंगे, बाइक आपके पास में अलग होगी, तो आपके घर में ही आपकी गाड़ियां हैं, आप जो टायर सीलेंट आपको नीड नहीं होगी, अगर वो डालने के बाद में अगर पंचर ना हो, ऐसा प्रोडक्ट आपको मैं प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हर व्यक्ति की नीड है, ये बिल्कुल जरूरत भी है ना। अगर हमें पानी की प्यास लग रही तो हम पानी ही पिएंगे ना, उसकी जगह कोई दूसरी चीज से उसका वो नहीं करें, तो टायर अगर पंचर होगा तो मुझे जहां तक लगता है इसकी जरूरत सबसे पहले लोगों को ऐसे समझनी चाहिए, मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपके पास टाइम भी कम है, आपको टाइम से पहले पहुंचना है, अचानक आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, उसमें आप क्या करेंगे? नहीं पंचर वाला आसपास नहीं दिख रहा तो बड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए कोई बीमार है, आप किसी बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाना चाह रहे हैं, बिल्कुल, ऐसी कंडीशन में अगर पंचर हो जाती है गाड़ी तो बड़ी मुसीबत का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने पूछा कि व्यूवर्स के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या फिर चाह रहे हैं कि वो भी एक अच्छे बिजनेसमैन बने, अपना खुद का बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो कंपनी के साथ में जुड़ करके कंपनी का डीलर प्लान, डिस्ट्रीब्यूटर प्लान या जो भी आपको उचित लगता हो उनसे जुड़ करके, कंपनी के साथ जुड़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सर। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इनकी कहानी से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली होगी। आप भी जब ये कर सकते हैं, गांव के रहने वाले इंसान हैं, जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एक कदम बढ़ाइए। और सर की अगर आपको हेल्प चाहिए तो वीडियो की स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरा यहां से गाइड किया जाएगा, पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ या फिर नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।